गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स। आज अपन मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1A। ओके, इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आज अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर्स। ये आपको बॉक्स बने हुए दिए, इनके आपको नंबर्स इसमें लिखने थे काउंट करके। ये दिया है 1000, 100, 10s और 1s। पाँच चीज़ें काउंट करते हैं ना अपन, 1s, 10s, 100, 1000। तो देखो अपन इसको काउंट करेंगे, कितने क्यूब्स हैं जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्यूब्स हैं। यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, क्योंकि ये अलग अलग हैं, एक ही दिए हैं इसीलिए। अब इन क्यूब्स को काउंट करेंगे कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं आपको। ठीक है, बट 7 जो हैं उसमें से कितने, एक क्यूब में कितने होंगे, 100 होंगे। जो अपन ने कल देखा था, इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था ना, समझाया था, एक क्यूब को अपन कितना मानेंगे, 100। तो मतलब ये कितने क्यूब में, 700। तो अपन इसको 7 का लिख देंगे, 100 प्लेस पे 7 लिख देंगे। अब नेक्स्ट जो है आपका, ये 2 दिए आपको बॉक्सेस, 1 और 2। अब इसमें कितने हैं, पूरे को टोटल 100 हैं, ये भी टोटल 100 है। तो मतलब ये कितने हुआ, 1000 और 1000 कितने हुआ, 2000। मतलब 1000 प्लेस पे लिख देंगे। अब 10 प्लेस पे उनको कुछ दिया नहीं है, इसलिए अपन उसकी जगह क्या लिख देंगे, 0। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, 1, 2, 3 क्यूब्स हैं, मतलब 3000, बट 100 प्लेस वाले नहीं दिए। इस तरीके वाले अपन को इसमें नहीं दिए, इसलिए अपन 100 प्लेस पे क्या लिख देंगे, 0। 10 प्लेस वाले दिए इसमें देखो, 1 और 1, 2, 1, 2। अगर आप इसको काउंट करोगे छोटे तो 10 निकलेंगे, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो मतलब 2 10s हैं, तो 2 लिख देंगे। फिर कितने 1s हैं, 1, 2, 3, 4, 5 1s हैं, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, इसी नेक्स्ट पेज पे आपको करना है। नेक्स्ट पेज पे थर्ड क्वेश्चन है, इसमें देखो 1, 2 क्यूब्स हैं, 1000 वाले तो 2, 100 वाले 3 हैं तो 3, 10s वाले 6 हैं तो 6, और 1s वाले 2 हैं ओनली तो 2। इसी को काउंट करके यहाँ लिखना है, 3, 3, 3, 7 आएगा। इसी को काउंट करके लिखना है तो आएगा 5010, क्योंकि सिर्फ 1000 प्लेस पे दिया है और 10s प्लेस का दिया है, 1s प्लेस का और 100 प्लेस का नहीं दिया है। इसका अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द नंबर ऑन द एबेकस। एबेकस दिया है इसको आपको, ये नंबरों को इस पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। कौन से नंबर को, 3709। तो यहाँ लिख देंगे पहले अपन, 3709 लिख देंगे। फिर पेंसिल से सर्कल बना देंगे, गोल गोल, जैसे जो मैंने बनाए हैं। सर्कल बना देंगे, कितने सर्कल, 1, 2, 3 सर्कल। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे कितने सर्कल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सर्कल। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे एक भी सर्कल नहीं बनेगा। यहाँ पे कितने सर्कल बनाएंगे, 9 सर्कल। ऐसे नेक्स्ट वाले में करना है, 8, 4, 9, 7 सर्कल सर्कल। ऐसे आप बना दोगे, इसमें 8 सर्कल, इसमें 9 सर्कल, इसमें 4 सर्कल, इसमें 7 सर्कल। ऐसे नेक्स्ट वाले में करना है, 6, 3, 5, 9 कुछ नहीं करना, सिंपली जितने भी नंबर हैं, लास्ट वाला नंबर है लास्ट वाले में, 5 नंबर 10 वाले में, 300 में और 6000 में सर्कल बनाना है। ऐसी इसमें, इसमें जिसमें आपको 0 लिखा हुआ उस वाले में आपको कोई सर्कल नहीं बनाना है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है, थर्ड वाला और फोर्थ वाला बचा है, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कल करेंगे।